एक ये धोती देखिए, गबन भैंस है ये, हाइट लेंथ वेट और थन की क्वालिटी वगैरह भी। थोड़ी सी चलाना भाई साहब, थोड़ी सी घुमा ले यार। ये देखिए कर ले पीछे से ले थन की बनकर देखिए आप इसकी। ये देखिए और इसके ओनर से आपकी बात करवाएंगे। और थन मुट्ठी साइज का थन है, देखिए आप लोग। सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम। गुरुवान डेयरी फार्मिंग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज फतेहाबाद मंडी की आपको विजिट करवा रहे हैं। ये जो भैंस का सौदा हुआ ये आपको बताएंगे, उन्होंने चेक पास कर लिया है, दूध भी निकाल लिया है और बच्चे को अभी दोबारा छोड़ रखा है। और ये कहाँ से आए हैं, इनसे बात करेंगे, इस कौन से ब्यांत की ये छोटी है, कितने की ली है और कितने में ये सौदा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। पहले देखिए आगे से और देखिए सिंह वगैरह जी, आपने लिए भैंस? हाँ जी, हमने ली है। कहाँ से आए हो जी भाई साहब? रेवाड़ी से। अच्छा, कौन से ब्यांत की बताइए भैंस आपको? तीसरा ब्यांत की जी। तीसरा ब्यांत की कितना दूध दे देगी आपके अंदाजे से? 18 लीटर। अच्छा जी, 18। तो आपने कितने पैसे की ली है जी? 1,05,000 की। चलो ठीक है जी, धन्यवाद भाई साहब। एक खीरी कटड़ी सिंह की भी चैम्पियन देखिए आप, कितने का सौदा हुआ है। सुबह की ब्याई हुई है, नीचे कट्टी है और इसका सौदा हो गया अभी। ले थन की बढ़तर देखिए, थन मुट्ठी साइज का, पीछे गेटर की क्वालिटी देखिए। थोड़ी सी खोली हुई ना, खीरी कटड़ी है, दांतों में खीरी है, इसका सौदा हो चुका है, आपको बताएंगे कितने का हुआ है। देखिए आप ऑर्डर की क्वालिटी देखिए, खीरी होते हुए कद बॉडी बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन लेवेथन की बनावट जो है वो काफ़ी बेहतरीन। और सुबह की ये ब्याई है, आपने लिए भाई साहब ये? हाँ। कितने पैसे के लिए? 60 की। 60 की? कहाँ से आए हो? हरियाणा से, सिसाई से। सिसाई से, ठीक है। गलत ना बता दिए, इंस्पेक्टर है। पूरी वीडियो बनाओ। एक ये धोती देखिए, गबन भैंस है ये, हाइट लेंथ वेट और थन की क्वालिटी वगैरह भी। थोड़ी सी चलाना भाई साहब, थोड़ी सी घुमा ले यार। ये देखिए कर ले पीछे से ले थन की बनकर देखिए आप इसकी। ये देखिए और इसके ओनर से आपकी बात करवाएंगे। और थन मुट्ठी साइज का थन है, देखिए आप लोग। भाई साहब आपने लिए ये भैंस? हाँ। फतेहाबाद मंडी से लिए जी? हाँ जी, फतेहाबाद। कितने पैसे के लिए जी भाई साहब? 1,40। 1,40 की? तो कितना उम्मीद है, दूध कितना दे देगी आपको ये? दूध दे देगी 18-20 लीटर। 18-20 लीटर दे देगी, ठीक है जी भाई साहब। कहाँ से आए हो वैसे आप? हम रोपड़ डिस्ट्रिक्ट रूपनगर। अच्छा, रूपनगर से। चलो जी ठीक है जी भाई साहब, धन्यवाद। तो इस प्रकार के क्वालिटी के पशु भी फतेहाबाद मंडी में अवेलेबल रहते हैं। थोड़ा जिस प्रकार से इन्हों भाइयों ने बताया, थोड़ी भैंस तो महंगी लगी, लेकिन इनको चिट चढ़ गई गोल सिंह तीसरे की, और अब तक 10-15 दिन ले लेगी ब्याने के, काफ़ी अच्छी भैंस है ये। एक ये धोटी देखिए, 4 दांत दूसरे टाइम की ब्याने वाली, प्रेग्नेंट है। पीछे से पीछे वाले थनों का गैप देखिए आप लोग, और अभी ब्याने के 1-2 दिन ले लेगी। आगे से पीछे वाले थनों का गैप देखिए आप लोग, अभी बिल्कुल तैयार होते होते लेवा भी बहुत अच्छा तैयार कर लिया। सींग थोड़ा सा खुला है माथे में, इसके थोड़े से वाइट बाल भी हैं 10-20, पीठ में लेद नहीं है, पीठ पुट्ठे की चौड़ाई देखिए, और साइड आगे वाले से पीछे वाले थनों का गैप देखिए। इसकी जो है 1,60,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। एक ये भैंस देखिए, 70,000 रुपये की सेल हुई है, नीचे भूरी कटिया इसके।
ये भैंस बुरी भैंस 73,000 रुपए की हुई है। नीचे पड़ता है इसके मेल काफ है, ताज़ा सुई हुई है, थन मुठिया साइज का और आगे पीछे वाले थनों का गैप देखिए आप लोग, काफ़ी अच्छा गैप और 5-6 दिन की ब्याई और 13 किलो इसके नीचे दूध बताया। काफ जो है पूरा जेड ब्लैक है, चेक पास इसको कर रहे हैं, बच्चा छोड़ दिया, धार देखिए काफ़ी मोटी धार, दूध को चेक कर रहे हैं, पीकर देख रहे हैं कहीं दूध में चरका वगैरह तो नहीं है दूध, जो कि थनेला रोग के सिग्नम्स आते हैं जैसे कि दूध कड़वा हो जाता है थोड़ा। ये देखिए मोटी धार, बिल्कुल 4 इंची समरसीबल के जैसी धार इस भैंस की है, तो मैं कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छी धार और थन की बहुत अच्छी। ये देखिए थोड़ा सा सींग जो है थोड़ा सा खुला है इस बुरी भैंस का और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की भैंस है। प्याज मंडी में आपको भूरी, नीली रवि, देसी, मुर्रा, हर प्रकार की भैंस देखने को मिल जाएगी। तो हमारे द्वारा दिखाए गए पशु अगर आपको पसंद आते हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर ऐसी ही वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को, जो भाई पहली बार जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में लगे बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।